बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन शाहपुर। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, और मेरा ये चैनल बनाने का भी मकसद यही था कि जो आपको आपको कोई अच्छी किसी बात का पता है तो आप लोगों तक उसको पहुँचाएँ। और ये हमारे भाई साहब हैं और ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो काफ़ी टाइम से इनके साथ में मेरा रब्ता भी है। तो इन्होंने एक अपनी बड़ी मेहनत के साथ एक छोटा सा सोलर सिस्टम लगाया है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा लगाया है। वो एसी भी काम करता है और डीसी भी काम करता है, और मैं उसके ऊपर उस आदमी के ऊपर बहुत खुश होता हूँ जो ऐसे अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करके दिखाता है और अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों को फ़ायदे के लिए भी यानी कि ऐसी चीज़ें बनाता है और उनको अपने कारामद लाता है। तो इनसे मैं आपको मिलाता हूँ। इनका एक छोटा सा ये 180 वाट के ये दो सोलर पैनल लगाए हैं, तो माशाल्लाह इनका तकरीबन पूरा घर ही उनका ये सोलर पे है। ये डीसी फैन भी और ये लाइटें भी यूज़ करते हैं, और एसी फैन और एसी लाइटें भी यूज़ करते हैं। और मैं नीचे चल के भी आपको बताऊँगा कि इनका ये सिस्टम कैसा चल रहा है। चलिए मेरे साथ। ये हमारे एक भाई हैं, तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो ये हमारी वीडियो देख देख के ना इन्होंने माशाल्लाह बहुत काम सीखा है। तो वैसे भी ये शायद मस्कत में होते हैं और वहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो मुझे उस आदमी के ऊपर बड़ी खुशी होती है। मैं उस आदमी की बड़ी कदर करता हूँ जो आदमी मेहनत करके काम सीखे और उसको आगे भी सिखाए। तो इन्होंने मुझसे पूछ के तो इन्होंने ये अपने दो सोलर पैनल लगाए हैं जो कि 180 वाट के हैं। तो माशाल्लाह मैं आपको नीचे चल के इनका जो लोड चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और ये पूरी तफसील के साथ आपको इनके एक छोटी सी वीडियो में आपको इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं ज़रा। सर मेरा नाम मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, थोड़ा ऊँची ताकि आवाज़ कम आती। अच्छा मोहम्मद उमर, तो आप शारजा में काम करते हैं? जी सर, मैं मस्कत में हूँ। मस्कत में? अच्छा, इसलिए ना असल में ओमान है, वैसे मस्कत तो हम बोलते हैं, उधर का दारुल खिलाफा, लेकिन इंशाल्लाह शहर में मैं काम करता हूँ। तो माशाल्लाह इन्होंने अपने घर के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने ये सिस्टम किया है। तो इन्होंने स्पेशल मुझे कॉल की थी, भाई थोड़ा आप आके विज़िट करें और मेरे इस जो मैंने काम किया है इसके बारे में थोड़ा मुझे आप बताएं। तो माशाल्लाह मुझे बताने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह ख़ुद ही बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया है। माशाल्लाह जी, हमारे ये भाई कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ये थोड़ा बहुत काम ये जानते हैं इसके बारे में, तो वो अपने घर का ख़ुद भी ऐसा काम, ऐसा छोटा सिस्टम लगा के अपना गुजर बसर कर सकें। मेरी असल में अपने भाइयों को यही राय है, मशवरा है कि ये काम मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है। ये जो मेरे भाई इधर आए हैं मेरे पास, ये मेरे उस्ताद भी हैं, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इनकी वीडियोस देख देख के मैंने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह ये सीखा। वैसे भी मैंने थोड़ा अपने कह लो कि जेहन की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, ये थोड़ा खुद कोशिश करके काम किया है। असल में ये इतना मुश्किल काम ये नहीं है, तो मेरी तो यही राय है कि खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद सीखना चाहिए, खुद करना चाहिए। तो मैं भी आपकी तरह ही कह लें, जैसे ये आप मेरे भाई मुझे देख रहे हैं इंसान, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये मैंने खुद किया है। बस ये यही है कि मैंने वीडियो देखी है और वीडियो देख के मैंने ये नॉलेज हासिल किया। ये मेरे भाई वीडियो बनाते हैं, वो अच्छा गाइडेंस करते हैं वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लगाएं घर पे, छोटा मुनासिब छोटे बजट में ये छोटा सेटअप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताएँ कि ये कितने कितने वाट के आपने ये सोलर पैनल लिए? सर ये 180 वाट के दो पैनल हैं, तो ये तकरीबन आउटपुट हमें अम्पेयर 8 अम्पेयर दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा वर्क कर रहे हैं ये, अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दो फैन रात को और दिन को अल्लाह तुल चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह एक बैटरी इन्होंने साथ में लगाई है, साथ में एक जैसे इन्वर्टर होता है ना, तो ये उससे इसे 220 वोल्टेज भी यूज़ करते हैं, और दूसरी डायरेक्ट ये जो डीसी पावर है उसका इन्होंने फ़ैन भी लगाया, वो भी मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। और लाइटें भी लगाई बड़ी प्यारी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ये जो पैनल है ये आपको कितने में मिले हैं? सर ये आज से एक माह पहले मैं लेके आया लाहौर से, हाल रोड से, तो तब की ये प्राइस थी हमें कह लें कि 14,000 के, यानी एक पैनल 14,000 का मिला।
तो तकरीबन दो हमें 28 साल के समझ लें ये हमारे पैनल, और थोड़ा बहुत ये सामान जो वायरिंग वगैरह, और ये जो स्टैंड कितने में आया था जिसके ऊपर आपने लगाए? उन्होंने दिया हमें 500 का, ये स्टैंड 500 का। उफ, अगर आप यहाँ से खरीदते तो आपको इससे महंगा ही मिलना था, लेकिन माशाल्लाह। इसीलिए सर मैं लाहौर इसीलिए गया था कि उधर प्राइस में बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये बात भी थोड़ा जहन में रखें कि अगर आप स्पेशल जाते हैं ना ये सामान लेने के लिए, दो प्लेटें लेने के लिए, तो उससे बेहतर यही है कि आप अपने लोकल से ही ले, क्योंकि आपको जो रेंट भी किराया भी पड़ना है ना जाने आने का, वो भी तो उसी में शामिल होगा। तो अगर आप किसी दूसरे काम के लिए गए हुए हैं तो उसमें आप ये सामान भी ले कर आते तो फिर तो बहुत आपको फायदा है। तो माशाल्लाह आज मौसम भी देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया है, तो बाकी मैं इंशाल्लाह आपको नीचे जा कर बताता हूँ। अच्छा, मुझे इनकी ये बात बहुत प्यारी लगी है कि ये देखें ये जो रंग के डब्बे होते हैं ना, पेंट के डब्बे, इन्होंने उनको साफ़ सुथरा करके, आजकल आपको पता है कि चिड़ियों के लिए ये जो परिंदे होते हैं उनके लिए ये इन्होंने इंतज़ाम किया है। ये देखिए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी ये इन्होंने चार इंच के तकरीबन 3.5 इंच का पाइप है, ये PVC डक्ट है 3 इंच की, इसको भी सराह करके ना चिड़ियों के लिए घोंसले बना दिए। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है माशाल्लाह। तो ये देखें इनका बगीचा भी देखें माशाल्लाह, एक छोटे से छत के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है, बहुत प्यारा इन्होंने काम किया है। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने ये सिस्टम लगाया है, जो ऊपर से सोलर से जो वायरें आ रही हैं उनके लिए ये चार्ज कंट्रोलर लगाया है, तो आप इसको मुलाजा कर रहे हैं। साथ में इन्होंने बैटरी लगाई है P180, तो ये बैटरी से तकरीबन 3 पंखे तक ये चला सकती है। अगर 2 पंखे भी चल जाए तो फिर भी गनीमत है आज के महंगाई के दौर में। साथ में इन्होंने कुछ बटन वगैरह लगा दिए हैं, और थोड़ी सी मिस्टेक थी इनकी कि ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, ये वायर ये यहाँ से नीचे जा रही है, नीचे होती हुई ना नीचे ग्राउंड में जा रही है, लेकिन जब ये नीचे फैन चालू करते हैं ना तो इनके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो मैंने इनकी वायर को चेक किया है तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो वायर है ना थोड़ी बारीक है, तो मैंने इनको बोला है कि आप थोड़े बड़े साइज़ की वायर लेके लगाए तो इंशाल्लाह जो आपके ये जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं ना, ताकि वो वोल्टेज ड्रॉप ना हो तो आपको मुकम्मल तौर पे जिस तरह के फ़ैन को चलना चाहिए जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड में चले और आप उससे मुस्तफ़िद हो सके। तो ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इन्होंने दोनों AC DC दोनों सिस्टम लगा दी हैं। ये देख लें आप, एक इन्वर्टर भी इन्होंने लगा दिए साथ में, और ख़ुद इन्होंने काम किया, तो बड़ा प्यारा काम किया है। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह ऐसे आदमी को कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी चाहिए अपने लिए। ये जी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने वो DC के ऊपर चलाई है कि, हाँ ये इनकी लाइटें DC के ऊपर लगी हुई हैं, तो देखें माशाल्लाह पूरे कमरे में कितनी रोशनी है, और इसके साथ में ये फ़ैन भी देखो इसी के ऊपर चल रहा है। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह, इन्होंने खुद स्ट्रगल की है और ख़ुद ये काम किया है, बहुत प्यारा काम किया है, मेरी सोच से भी बढ़ के इन्होंने काम किया है। तो ये देखिए आपके सामने ये DC फैन चल रहा है, तो इनकी पावर ना भी हो, मिसाल के तौर पे वार्बला की पावर नहीं भी होती अभी बंद है, तो अभी वैसे भी पावर बंद है, तो देखिए माशाल्लाह देखे छोटी सी सोच लेके उसको इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाकी हम नीचे भी जाके देखते हैं। देखिए माशाल्लाह ये भी इनका पंखा ये DC पावर पे चल रहा है, जो कि इन्होंने खुद ये सारा सिस्टम लगाया है, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, ताकि उन्होंने एक मेहनत करके इसके ऊपर इन्होंने दूसरे लोगों के लिए ये बता दिया है कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह।